हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एनसीआर ट्रैवलर। एनसीआर ट्रैवलर की पहली ब्लॉग में आप सभी को स्वागत है। ये मेरी पहली मोटो ब्लॉग है, इसमें कमियां तो बहुत सारी होगी, माफ़ कर देना, धीरे धीरे करके उसे सुधार दूंगा। वीडियो एंड तक देख लेना, और वीडियो पसंद आ गया तो लाइक कर देना और मेरी चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। ये जो वीडियोज़ जो है डेली एनसीआर रिलेटेड वीडियोज़ होगा, स्पेशली पार्ट टाइम जॉब, ओला उबर रैपिडो वगैरह जो चलाते उसी का वीडियो होगा, तो उसे रिलेटेड वीडियोस डालने के ट्राई कर रहा हूँ। तो ज़्यादा बातों को आगे भी नहीं बढ़ा रहा हूँ, चलिए डायरेक्ट वीडियो में चलते। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलो चलते। तो चलो भाई निकलते। मैं अभी उबर ऑन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पहले पेट्रोल डालना है, उसके बाद पेट्रोल डालने के बाद वो उबर ऑन करूँगा, क्योंकि यहाँ से है ना राइड मिल जाता है दिन में। आज तो संडे भी, वैसे राइड तो मिल ही जाते हैं, तो अगर गलती से मैंने ऑन कर ली, कोई लॉन्ग ट्रिप मिल गया तो मुझे दिक्कत पड़ जाएगी। पेट्रोल बिल्कुल कम है, देखो कल मैंने 100 रुपये का डाल के थोड़ी चलाया था 30-40 किलोमीटर, तो पेट्रोल तो डालना ही पड़ेगा। चलो जाके पेट्रोल डाल देते हैं। गया एसपी पेट्रोल पंप, भीड़ कम कहाँ लग रहा है, यहाँ तो भीड़ लग रहा है, यहाँ 1, 2, 3। चलो भाई ने आगे कर लिया तो यहीं से निकाल देते। नॉर्मल है, पेटीएम ले लेंगे, 200 का डाल दो, 200 200। हाँ जी, नॉर्मल होगा तो डाल दो, बढ़िया है। छोटी बाइक में क्या पावर डालना है, तो 200 रुपये का पेट्रोल डाल के देखते। क्या मर है ना, कवर कर रखा, पता है क्यों, धूल मिट्टी जाने से बच जाए, क्योंकि मोबाइल तो एक ही है मेरे पास, इसी से मैं एडिट भी करता हूँ, फोटोशूट भी करता हूँ, सब कुछ करता हूँ। चलो जी पेट्रोल तो डाल दिया, थोड़ी बहुत हवा भरना है। भाई जी थैंक यू, हवा भर लेते यार, बाइक ना चल नहीं रहा था एक हफ्ते से ही, ऐसे बारिश पड़ रहा था, मैं 5-6 दिनों से घर से बाहर ही नहीं निकल रहा था, इसलिए मैं हवा भी नहीं डाल रहा था, पेट्रोल भी नहीं डाला, घर पे ही था। एक दिन मैं राइड पे निकला था, बारिश में पूरे भीगते भीगते घर आ गया, उसके बाद फिर जो है कंटिन्यू बारिश ही हो रहा था 5-6 दिनों से ही। भाई 5-6 दिन के बाद ही आज थोड़ा आसमान को देखा है साफ, तो आगे के पता नहीं, बादल दिख रहे ऊपर से धीरे धीरे करके, काले बादल, बारिश हो गई तो फिर आज के राइड बेकार। भाई पेट्रोल डाल दिया, हवा भी भर दिया, मैंने उबर भी ऑन कर दिया, देखते थोड़ी देर रुक के राइड मिलेगा तो ठीक है, नहीं तो थोड़ा आगे चलेंगे। यहाँ से ज़्यादातर फरीदाबाद साइड के लिए राइड मिलता है, फरीदाबाद में तो मैं कम जाता हूँ, क्योंकि फरीदाबाद की साइड अगर जाओगे तो उधर से उधर अंदर अंदर ले जाएगा, फिर राइड नहीं मिलती। 2-3 राइड में आपको इतनी दूर पहुँचा देंगे, उसके बाद राइड मिलेगा भी नहीं, काली वापस आना पड़ेगा, ये मुझे बहुत बुरा लगता है। तो मैं क्या करता हूँ, अभी बदरपुर में खड़ा हूँ, बदरपुर पेट्रोल पम्प में एचपी का, तो इधर के फरीदाबाद साइड के उधर के लिए निकल जाता हूँ। अगर वर्किंग डे है तो फिर यहाँ से राइड मिल जाते हैं, या फिर आगे जाके
बदरपुर से यार, और आगे जाते जाते बहुत सारी ऑफिस वगैरह है, वहीं से राइड मिल जाता है। नहीं है तो फिर आगे अपोलो से पहले ही राइड मिल ही जाता है, बहुत कम चांस है जो उससे पहले राइड ना मिलते हो। देखो भाई, आप एक ही जगह खड़े रहोगे तो आपको राइड मिलेगा नहीं, 5-10 मिनट खड़े रहो। पहलों को मैंने देखा है कि काफ़ी देर तक खड़ा ही रहता है, 1 घंटा 1.5 घंटे खड़ा ही रहता है। मैं भी रुक जाता हूँ, कहीं रश करना हो तो मैं रुक जाता हूँ, 1.5 घंटा रुक जाता हूँ, लेकिन राइड के इंतजार में मैं 1 घंटा कभी नहीं रुकता, 5-10 मिनट रुक जाता हूँ, उसके बाद जो है मैं आगे आगे चलते रहता हूँ। मैं धीरे धीरे आपको समझा दूँगा कैसे कमाते हैं और इसमें इनकम कैसे आते हैं, राइड कैसे मिल जाते हैं, सब कुछ धीरे धीरे आपको दिखा भी दूँगा, समझा भी दूँगा। देखो जी, पहले जैसे आप राइड मिल नहीं रहे, जब मैं स्टार्टिंग में राइड स्टार्ट किया था ना, उस टाइम पार्ट टाइम जॉब था, उस टाइम छोटी मोटी बिजनेस कर रहा था, वो सब बर्बाद हो गया। अब तो ये फुल टाइम जॉब है मेरा, और कुछ और काम भी है, वो कभी कभार होता है, महीने में 1-2 बार होता है, मेन तो मेरा यही काम है आजकल। तो अपने को तो राइड भी, ट्रैवलिंग वगैरह बहुत पसंद है भाई, तो ये मेरे को अच्छा लगता है। देखो मैं आपको बता रहा हूँ, कभी भी भीड़ भाड़ में खड़ी मत करना, पब्लिक भी परेशान हो जाता है, लोगों को तो पता भी है आपको, तो ऐसे जगह जगह खड़ी कर दो जहाँ पे कोई गाड़ी वाड़ी नहीं है और गाड़ी आना भी नहीं है, मतलब किसी को परेशानी नहीं हो, बस इतना ही सोच के अपना गाड़ी चला लो तो कोई दिक्कत नहीं होगा भाई। लोग भी रोड पे उतर के देखो भाई, बच के मुश्किल से देख के नहीं चलते लोग। अब मुझे किसी भी हालत में यहाँ से यू टर्न लेके उधर के साइड बाइक लगाना होगा। अच्छा बच गया, पहले ही मैं निकल गया। शाम का टाइम तो भाई यहाँ पे इतनी भीड़ लग जाता है भाई, गाड़ी मोड़ना ही मुश्किल में पड़ जाता है। अब मैंने आगे तो कर लिया गाड़ी, देखता है अब थोड़ी देर यहाँ पे वेट कर लेते हैं, हो सकते हैं यहाँ से कोई राइड मिल जाए, ज़्यादा देर नहीं, 1-2 मिनट देख लेते हैं, कभी कभार मिल जाते हैं यहाँ से राइड। वैसे और कोई गाड़ी नहीं है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, तो साइड में 1 मिनट रुक जाता है फिर चलता है। यहाँ से तो राइड नहीं मिल रहा है, थोड़ी देर के लिए रुक के देखा था, नहीं मिल रहा, तो आगे चलना पड़ेगा, चलो निकलते। अरे यार वो देख, और यहाँ पे और भी लोग खड़ा हुआ, भाई लोग भी खड़ा हुआ है, मुझे लग रहा है कि ऑल ओवर चला रहे हैं, तो आगे पीछे चल के देखते हैं भाई क्या सिचुएशन है। कभी कभार भाई राइड मिलना बड़ी मुश्किल है, पहली राइड, एक बार पहली राइड मिल गया ना, फिर कंटिन्यू राइड मिलते रहेंगे ऊबर में, अच्छा खास राइड मिल जाते ऊबर में। मैं नाइट को ही चलाता हूँ ज़्यादातर, दिन में कम चलाता हूँ, भीड़ भाड़ में चलाने का मन नहीं करता मेरे को। तो आगे आप मेट्रो स्टेशन आ गए यहाँ पर सरित विहार में, देखते 2 मिनट, मैंने रापिडो भी ऑन कर लिया और ऊबर भी ऑन कर लिया, देखो किस में आते पहली राइड। तो भाई सबसे पहले राइड मुझे मिला रापिडो में, 4 रुपये एक्स्ट्रा मिलेंगे, नोएडा जाना है,
मेरे ख्याल से 3-4 किलोमीटर हो गए यहाँ से। देखो 4 किलोमीटर कौन जाएगा यार, अगर सामने लाल बत्ती से पहले राइड कैंसिल नहीं हुआ तो मैं यू टर्न मार के उधर की साइड जाऊँगा, क्योंकि पहले राइड कभी मिस नहीं करना चाहिए। देखो मैं कम से कम 10-12 किलोमीटर चक्कर काटा हूँ मैं अभी एक राइड के लिए, तब जाके मुझे एक राइड आई है। वो भी 6 मिनट का रास्ता दिखा रहे हैं, जाके देखते हैं यार यू टर्न मार सकता हूँ मैं आराम से। चलो पहले मैं बात करता हूँ यार उनसे, पूछ ले भाई, कॉल तो चला जाओ। हेलो सर, आपने राइड बुक किया था रापड़ो में? कहाँ पर है सर? अच्छा अच्छा एस्कॉर्ट के सामने वाले मेट्रो स्टेशन में हो। ठीक है ठीक है ठीक है, मैं वहाँ आके फ़ोन करता हूँ। मैं ना 3-3.5 किलोमीटर दूर ही से आ रहा हूँ, 6 मिनट लगेगा। ठीक है सर, हाँ आ रहा हूँ, बिल्कुल आ रहा हूँ। राइड कैंसिल मत करना क्योंकि मैं 3.5 किलोमीटर दूर से आ रहा हूँ। ठीक है जी, आ रहा हूँ आ रहा हूँ। तो चलते भाई जाके पिक कर लेते हैं, है ना। चलो पहुंच गया, रूट मैप के हिसाब से यहीं पे यू टर्न लेके यहीं खड़ा हूँ। अच्छा मुझे लग रहा है यही बन। आप ही हो? पीछे खड़ा हुआ भाई, आप ही है ना? आ जाओ। चलो भाई थोड़ी आगे पीछे हो ही जाता, कोई दिक्कत नहीं। मैं काफ़ी दूर से आ रहा था इसलिए मैं आपको फ़ोन करके कंफर्म किया है। OTP चलो भाई, नोएडा जाना है बाइक को छोड़ने के लिए, वहीं जाके मिलता है। हाँ जी, हाँ हाँ कोई नहीं। एक मिनट दे रहा हूँ। चलो जी 102। ओके तो पहले ब्लॉक का पहले राइड का पैसे आ गया, भाई को दे देते 5 स्टार, रेडी फॉर नेक्स्ट राइड। और मैं आ गया हूँ नोएडा। देखो जी 102 रुपये में मेरे को 80 रुपये मिल गया। 10-11 किलोमीटर आने के बाद मुझे मिल रहे 80 रुपये, तो ये तो दिक्कत है। हाँ यहाँ से राइड मिलेगा कि नहीं मिलेगा देखना पड़ेगा। 5 मिनट रुकता हूँ फिर चलते हैं, और भी ऑन कर लेता हूँ। मैंने जब ये वाला जॉब स्टार्ट किया था तो सबसे पहले भी मुझे रापिडो में राइड मिला था, और ब्लॉगिंग स्टार्ट करी तभी मुझे रापिडो में पहले राइड मिला, तो रापिडो मेरे लिए लकी है। चलो 2 मिनट वेट कर लेते हैं, अगर राइड आ गया तो चल जाते हैं। यहाँ पे बहुत सारे हॉस्टल वगैरह हैं तो हो सकते हैं यहाँ से राइड मिल जाए, वेट करता हूँ। चलो जी मुझे नेक्स्ट राइड भी मिल गया, यही पास में ही है, रायपुर कादर सेक्टर 126। क्या आवाज़ लगा रहे भाई, अरे पास में ही है। राइड एक्सेप्ट करते ही पहुंच गया 50 मीटर वेस्ट जगह।
ये 126 क्यों दिखा रहे हैं, 124 है ये, पता नहीं क्या हो गया। रापड़ में ऐसे ही होता है, एग्जैक्ट प्लेस नहीं पता होता है। चलो 5.2 किलोमीटर लंबा ही पड़ जाएगा पीछे से, कोई जल्दी पहुंचे। भाई भाई को लेके अट्टा पहुंच गया मैं, सेक्टर 18। देखो क्या ट्रैफिक है, संडे है, शाम का टाइम, इतनी भीड़ लगता नहीं यहाँ पे, क्या बताऊँ। और भाई ने राइट मोड़ना है, भाई साहब सीधा जाएगा। अरे महाराज, सोच रहा हूँ इतना, मतलब लोकेशन वो ये सेक्टर 18 डाला था ना काली आपने। हाँ, सेक्टर 18 तो पूरी एरिया हो गया, पता नहीं कहाँ छोड़ी। मैं ना, मुझे यही था। अच्छा कोई नहीं, 40 रुपये दिखा रहे ऑनलाइन करूँगा आपके। हाँ इसी में कर दो, कोई दिक्कत नहीं, देखो जैसा भी हो मेरे अकाउंट में ही आना है। थैंक यू जी, अच्छा लगा। आपके भी वीडियो डाल दूँ ना। ओके थैंक यू। तो बाइक छोड़ दिया, अब ऊबर भी ऑन कर लेते, देखो किस में रेड आ जाए। थोड़ी सी पीछे अपनी बाइक लगा दिया, देखो नज़ारा देखो। ये सेक्टर 18 है नोएडा, अपनी बाइक खड़ी है, 2 मिनट वेट कर लेते, थोड़ा पानी वानी पी के। हाँ राइड तो मिल ही जाएगा, देखो यहाँ पे ऐसा तो नहीं, यहाँ पे 18 में राइड नहीं मिलेगा, मिल जाता है जब, तो थोड़ा पानी वानी पी लेते हैं। तो दोस्तों वापस वहीं पहुँच गया, एक दो छोटे मोटे राइड किया था, वापस 18 ही पहुँच गया। तो आज का राइड मैं यहीं ख़त्म कर रहा हूँ, ज़्यादा राइड कर नहीं रहा हूँ आज, बस थोड़ी चेक करना था कि मोटर व्लॉगिंग बनते कैसा है। तो अगर कोई गलतियाँ हो तो माफ़ कर देना, आगे से धीरे धीरे सीख जाऊँगा, सुधार दूँगा। तो मिलते फिर अगली वीडियो में, अगर मेरी वीडियो पसंद आ गई तो लाइक कर देना भाई, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, आपको अलग अलग टाइप की वीडियोस लाते रहूँगा। चलो फिर नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।